वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप एचएफएसएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो एचएफएसएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो एंड ऑफ द डे में देख से रहे कि कुछ बहुत ज़्यादा तेजी बहुत के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है स्टॉक ने। यहाँ पे देख सकते कि 83.55 पे क्लोजिंग दे, 5 पॉइंट की तेजी, तकरीबन 6 से 7% तक तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर एंड ऑफ द डे में। तकरीबन देखोगे तो देख सकते कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 78.40 थी, आज गैप अप से ऊपर ओपन और स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग का पूरे दिन पर सपोर्ट लेके स्टेबल था और ऊपर 80 लेवल रजिस्ट्रेशन एक्ट हो रही थी। पर एंड ऑफ द डे में देखोगे तो देख सकते कि 80 लेवल को ब्रेकआउट मिला, तकरीबन एक अच्छे सा ब्रेकआउट मिला, उसी तेजी के साथ ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है 83.55 लेवल पे। मार्केट कैप देखोगे तो 11,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। पी रेशो 41 का है जो कि अच्छा खासा पी रेशो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आ चुका है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.22% का है। लास्ट 5 डेज की भी मूवमेंट देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे देख से देखिए गिरावट हो चुकी थी, तो फिर से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले आज एंड ऑफ द डे में। तकरीबन यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे आज के, तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम, और ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 14,600 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजिशन है उसके ऊपर नजर डाली जाए तो टोटल जो है 40 लाख में से तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं 45% क्वांटिटी जो है एंड ऑफ द डे में डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स ट्रेडेड वॉल्यूम देख रहे हैं एंड ऑफ द डे में 1 करोड़ तक यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल तो फॉर्म हो चुके, फिर से 80 लेवल को तो ब्रेकआउट दिया है। 80 के ऊपर सेटल होता है तो इजीली 85-90 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट एचएफएसएल स्टॉक के लिए।